नमस्कार दोस्तों, कुश्ती रेसलिंग के मेरे YouTube चैनल अनसुया 1974 में आपका स्वागत है। आज़ादी से पहले हमारे देश के महान पहलवान गामा ने इंग्लैंड के पहलवान जिब्रिस्को को 2 घंटा 36 मिनट जब दबा के रखा और हराया, तब गुलाम भारतीयों के दिल में ये जज्बा जगा कि हम भी अंग्रेजों से लड़ सकते। कहते हैं उस दिन ही हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था। गामा पहलवान अपने बचपन में कैसे रहे होंगे, वो कहाँ खेलते रहे होंगे, किस तरह खेलते रहे होंगे। एक छोटा सा पहलवान, एक छोटा बच्चा जो अपने से बड़ों से भी लड़ लेता है, डरता नहीं है और हमेशा जीतता है और बहुत अच्छे दाव जानता है और बहुत अच्छी तरह से कुश्ती दिखाता है, उसे देखकर सचमुच में ही ये लगता है कि वास्तव में गामा पहलवान बचपन में ऐसे ही रहे होंगे। और नाम मेरा मोहम्मद रफीक है। ये हमारे पास आया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगने से जो है मैं इसे दंगल में लड़ाना चालू कर दिया। ये दो दो कुश्ती, तीन तीन कुश्ती, चार चार कुश्ती, एक दिन इसने 9 कुश्ती निकाल ली, तो इसका नाम हमने गामा रख दिया। मेरा नाम है जी मोहम्मद रफीक। हमारे रफीक डॉक्टर रफीक हैं, इनके यहाँ दंगल में मैंने कुश्ती देखी, इसकी अपने दुगने से लड़ाई, वहाँ कुश्ती मारी, बस वही गामा पहलवान रहा जी। हमारे हथेली पटकी है और इसका नाम रोशन जी हुआ, हमें बड़ी खुशी होती है। मेरा मोहम्मद रफीक है, मैं प्रेम नगर में रहता हूँ जी। खाड़ा मेरा टंकी पे रूप नगर में है। और ये मेरे जो बच्चे हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं 6 महीने से पहलवान हूँ। भविष्य का ये है जी, ये बच्चा दूसरी क्लास में तो है, ये पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी करेगा, लंबी पहलवानी करनी चाह रहा। अगर सहयोग सभी का हो, हमारा हो, इसके घर को का हो, तो ये बहुत बड़ी पहलवानी करेगा, ये देश का नाम रोशन करेगा, ये इतना अच्छा पहलवान है। मेरा नाम मेहता पहलवान है और मेरे फादर जो है डॉक्टर रवि अहमद खलीफा जी है। बाकी मैं इसकी बेटी या दौड़ दाड़ कराता हूँ और ये बहुत अच्छा प्रपोजल करता है, इसके बीच में इसे जो है सपोर्ट की जाएगी। डंडा भी, रोटी भी, कलजन भी, डांग भी, कबूतर भी, सगी भी, सालतू भी, बगली भी, संडी भी, निकाल भी, पट भी, कबूतर भी, चरखा भी, पेटी भी करता हूँ, दौड़ भी मारता हूँ, नेगली भी मारता हूँ, स्टैचिंग भी करता हूँ, लटकता भी हूँ, ब्रिज भी बनाता हूँ, न बड़ों से लड़ता हूँ, न घबराता हूँ। जिससे मेरा हाथ मिले ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ऐसे मारना, मार के दम लेता हूँ। नॉर्मल खाना खाता हूँ मैं, का ये आज 3 जगह से तो ये मेडल लिया बच्चा, एक जगह से शील्ड लिया उठा के, ये और हर दंगल में ये आता है, सभी जगह ये लड़ता है, सिक्के भी लड़ा, ये बागपति ये लड़ा और रटोल ये लड़ा और डगरपुर ये लड़ा और गोल चक्कर पे ये लड़ा, ये पूरी दिल्ली में लड़ता है, बोकलपुर ये लड़ा, नहर पे ये लड़ा सलीम पहलवान के, और कराना एक कराना है जी जिला शामली में, वहाँ भी ये लड़का है। जी मैट पर बच्चा बहुत अच्छा चलता है, मेरे पास मैट नहीं है, हमारा मट्टी का खाड़ा है, बाकी हम मैट पे से ले जाते हैं, मैट पे भी ये लड़ता है। हाँ जी, इसने जो है वेट की भी कुश्ती ले ली अपने, अच्छा, जिला बागपत में, ये अपने से 5 किलो 32 से खूब लड़ लेता है, जो अच्छा बालक है उससे 5 किलो 32 से लड़ता है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मोहम्मद राशिद बब्बू पहलवान, मैंने अपना बेटा गामा पहलवान पहलवानी में भेजा है, खलीफा रफीक डॉक्टर रफीक के खाड़े में। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा आगे चल कर देश का नाम रोशन करे, देश के लिए लड़े, देश का आगे चल कर वो नाम रोशन करे, अच्छा जवान बने। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे मेरे देश के जवान नाम कमाएं। देखो जी, देश का पहलवान बनाने के लिए तो लगभग हम तक कोई सुविधा नहीं है, हम तो एक मट्टी की सुविधा है और हमारे खलीफाओं के नुक्ते हैं, हुनर है। अब उसमें देखो जी ऊपर वाला क्या दे दे और हमारा देश सहायता करे, तो हम पता नहीं क्या करते इस बच्चे के साथ और हमारा देश क्या करते। देश चाहे तो कुछ भी कर सकता है हमारे बच्चे के साथ।
बाकी फिलहाल मैं अपनी तरफ से जी जान से अपने मुंह से निवाला निकाल के अपने बच्चों को देते हैं। मुझे उम्मीदें तो काफ़ी हैं, इरादे भी बहुत हैं दिलों के अंदर, मगर आगे चल के मुझे कोई सुविधा नहीं दिखाई देगी अपने खाने से, क्योंकि हमारे पास ना ही तो कोई कोचिंग की सुविधा है, ना ही कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा है, ना ही किसी चीज़ की कोई मेट वगैरह की सुविधा है। अब जो हमें ये सुविधा मिल जाए देश का नाम रोशन करें। तो ये थे हमारे छोटे से गामा पहलवान के पिताजी, और वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन बच्चा निकलेगा और समाज से उनकी अपेक्षाएं हैं कि समाज भी आगे बढ़कर और जो संभव यथासंभव सहायता है वो करेगा, और ये एक प्रतिभा है जो एक दिन ज़रूर ओलंपिक तक जाने का हौसला रखती है, मादा रखती है। सवाल इस बात का है कि क्या इस बच्चे को मौका मिलेगा, क्या इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्या इसको उचित अवसर मिलेंगे, क्या भ्रष्टाचार से ग्रसित जो हमारा भारत है ये बच्चा उसमें फंस कर रह जाएगा, इसकी प्रतिभा दम तोड़ देगी, या फिर एक दिन ये जो आज इसकी प्रतिभा दिखाई दे रही है ये बच्चा इसी तरह प्रोग्रेस करता हुआ ओलंपिक तक जाएगा। इस सवाल के साथ मैं दीपक अनुसूया आपके सामने।